कबूल है। कोई भी यहाँ आए पढ़ने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए, या जीवन पे गुरुकुल फिर नया खुलने के लिए, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, वेद वेदांत योग अध्ययन ज्योतिष पढ़ने के लिए, मेरा फर्स्ट रूल है स्वपाकी बनना, खुद का हाथ खाना, खुद खाना, दूसरे से नहीं खाना, होटल में नहीं खाना, मांग के नहीं खाना। एक दूसरा रूल नंबर टू, अगर जो लोग एक साल, चार महीना, पाँच साल, दस साल का साधना में हैं, तो जो आदमी अपना भोजन नहीं जुटा सकता उससे क्या दूसरे से आशा करेंगे। तो इसीलिए खेती सीखना बड़ा जरूरी है। तो प्राकृतिक कृषि का कुछ नियम कानून, बीज लगाना, जीवामृत बनाना, घनामृत बनाना, क्यों करना, तुम्हें YouTube देखने का जरूरत नहीं, तुम्हारे पास खड़ा खड़ा 2000 GB का खड़ा है, यहाँ प्रवचन दे देगा। खाली सुनने से नहीं होगा, जॉइंट एजुकेशन इज जॉइंट एजुकेशन, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके नोट कर लेना। प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, क्यों करना, क्या करना, मार्केट से क्यों दूर रहना, मार्केट क्यों खतरा है, अगर सरकारी तंत्र क्यों आज हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा है, और इस बेस पे हमें क्यों स्वावलंबी बनना, अपने पैर पे खड़ा रहना, अपना पैसा, अपना धन, अपना रोजगार और दूसरे का स्वावलंबी बनाना, गांव को स्वावलंबी बनाना, गांव का लड़का गांव में, किसान जमीन का पानी जमीन पे क्यों रहेगा, इन सारे फैक्टर सब्जेक्ट इनसे जान लो। और तीसरा एस्पेक्ट, मेरे पास कोई भी आता है, मैं तब तक उसे कोई भाषण, कोई ज्ञान देने का बात नहीं करता, कोई संस्कृत, कोई वेद वेदांत पुराण, पहला ज्ञान धरती का, पहला कल्चर, फर्स्ट कल्चर इज आप ही बताओ, एग्रीकल्चर, मतलब कल्चर है एग्रीकल्चर, तुम्हारा पहला संस्कृति कृषि संस्कृति, पहला माँ धरती माँ। जब तुम उनसे ही निकाल के खाना नहीं जानते, जिंदा रहने का अधिकार है तुम्हें, और वेदांत वेद और अध्ययन और सांख्य उपनिषद पढ़ने का अधिकार है। कट, कट आउट, नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति जो दान धर्म और भीख का खा के जिंदा रहेगा, बोलेगा हम वेदांती बन जाएंगे। अरे महाराज, अन्नमय कोष ही अशुद्ध है, भीख का खाते हो, दान का खाते हो, दूसरे का दया का खाते हो, लूटा हुआ खाते हो, सरकारी एक रुपया चावल खाते हो, वेदांत पढ़ने आ गया। वो ऋषिकेश में बहुत पढ़े हैं गिरुआ वाले, इस देश का एक एक अभिशाप बन चुके हैं। नहीं तो जिस देश में 20 लाख साधु सन्यासी होगा, उस देश का हालत ये होगा। बहुत सन्यासी जो अपने लिए जिंदा नहीं है, वह सन्यासी जो अपना पिंड दे दिया है, वह सन्यासी जो अग्नि जैसे तेज है, वह सन्यासी जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, वह सन्यासी जो सब कुछ बलिदान करके घर द्वार जमीन बाड़ी छोड़ के आया, एक मिल जाए ना तो इस देश का निहाल हो जाए, ऊर्जा का भंडार। लेकिन दुर्भाग्य है कि भीख का खा रहे हैं, दान का खा रहे हैं, दूसरे का दिया का खा रहे हैं, हाथ नीचे करके खा रहे हैं, अन्नमय अशुद्ध हो गया। महाभारत जानते हो, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी उस समय सबका चरण पे गिर गई, सबको रिक्वेस्ट कर रही कि मुझे बचाओ। वो अंधा धृतराष्ट्र तो बचाने वाला था नहीं, खींच तो खुद कौरव और दुशासन और दुर्योधन और कर्ण कर रहे हैं। पांडव बंधे हुए हैं, बीच गए हैं जुआ से, गलत डिसीजन से, कृष्ण को माने नहीं, कृष्ण बाहर खड़ा था उस समय, कृष्ण को पूछा तुम बचाए नहीं, बोला मेरे को बोला नहीं, हम क्यों बचाने जाए, हम भगवान ठीक है नहीं क्या बचा, बाहर खड़ा था। युधिष्ठिर सब पूछ के किया, ये बीबी को जाओ दाव पे लगाने के टाइम में मेरे को नहीं पूछेगा, मेरा बहन है तो लगाया अपना बीबी, मैं क्या करूं, खींचो क्या करना है। तो आखिरी में उसका दिमाग में आया कि यहां जितने बैठे हैं सबसे पावरफुल कौन, रथी महारथी कौन, भीष्म। एक तीर काफी है ये पांडव और कौरव और वहां जो जो है सबको खत्म करने के लिए, एक तीर। अच्छा, उसको धनुष भी उठाना नहीं पड़ेगा, मंत्र करके मारा और सब खत्म। तो वो अपना दांत या वो भीष्म बूढ़ा दादा जो भी है उसके पास जा रहा है, जा रही है द्रौपदी, मुझे बचाओ, आपका कुल का लाज रखो, मेरे साथ चीरहरण हो रहा है, और तुम क्षत्रिय भी हो और किसी अबला नारी का सामने अगर चीरहरण हो रहा है तो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म मर्द, तुम्हारा मूछ क्या कह रहा है,
मतलब कितना बड़ा ललकार हो रहा है वहां एक क्षेत्रीय के ऊपर। क्षेत्र बोलता है प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा बोलने वाले होते हैं ना, ऐसा कुछ है। भीष्म खड़ा होके अपना लाचारी कर रही है। नो डाउट यू आर करेक्ट, मेरे से पावरफुल यहां कोई नहीं है। अष्टवसु में एक वसु, अष्टवसु, अष्टवसु में एक वसु, गंगा पुत्र, वह जिसने अपना पिता का सुख के लिए सब कुछ त्याग दिया, वह ब्रह्मचर्य रक्षा करने वाला वीर व्रतधारी बने। ऐसे महान साधना और शक्ति धनुर्विद्या से लेके बाकी कई सारे ज्ञान और विद्या में निपुण भीष्म, भीष्म है जिसके लिए देवता भी पुष्प पुष्टि करते हैं, जिसको अमर वर प्राप्त हो गया, आज वो निहत्था दुर्बल लाचार खड़ा है तुम्हारे आगे। हे द्रौपदी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। क्यों? बोला मैं अन्न इस चूतिया धृतराष्ट्र का खा लिया हूं। अपना खाना सीखो, पहला ज्ञान, और अपना उत्पादन का खाना सीखो। अगर इतना नहीं है, मेरे गुरुकुल में अलाउड नहीं है, जाओ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं, मुझे बहुत सारे भेड़ बकरा इकट्ठा करने से अच्छा है एक शेर कर लेना, एक, ठीक है ना। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, लेकिन उजाला पहराता चंद्रमा अकेला। जंगल में हजारों जंतुए हैं, लेकिन शेर से कहलाता है राजा अकेला। पटरियों में हजारों डब्बे हैं, लेकिन इंजन खचता अकेला। अब क्या बनना है सोच लो, जिस लक्ष्य पे आए हो। वेदांत वेदांत पढ़ना है, यहाँ से फोन कर दूंगा, ऋषिकेश जाके बढ़िया से दान का मिलता है, मुफ्त का, मस्त खाओ, वेदांत पढ़ो। संस्कृत भी वहाँ मेरा कनेक्शन है, मैं क्योंकि वहाँ खुद पढ़ रहा हूँ, भेज दूंगा, पढ़ लेना। और नहीं, देश के लिए क्रांति करना है, महान स्तंभ खड़ा करना है, पहले तो अपना भोजन अपने हाथ, ठीक है।